हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खिचड़ी की रेसिपी। ये दाल और चावल से बनाई हुई खिचड़ी की रेसिपी है जो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाकर मैंने तैयार की है, और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनी हुई है। तो चलती है, देखते हैं इसे कैसे बनाना और इसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर दाल और चावल ले लिया है। चावल मैंने 1 कप लिया है, उसके मुकाबले मैंने दाल यहाँ पर 2 कप लिया है। इन दोनों को हमने 1 घंटे तक पानी में भिगो कर रखा था। और नमक और हल्दी लिया है मैंने। सबसे पहले हम खिचड़ी पकने के लिए चढ़ा देंगे और इसके बाद हम तड़के की तैयारी करेंगे। एक कुकर ले लिया मैंने, कुकर में हम दाल और चावल डाल देंगे। आप कोई भी राइस ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोलम राइस लिया है। और दाल चावल डालेंगे तो हम इसमें डाल देंगे हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और लगभग इसमें हम 1.5 लीटर पानी डाल करके इसे पकने के लिए चढ़ा देंगे। चलिए इसे मिक्स करके इसमें पानी डाल लेते हैं। आधा लीटर पानी मैंने इसमें पहले डाला था मैक्सिमम, और 1 लीटर बाद में। जैसा कि आप जानते हैं हरे मटर का सीज़न है, तो हरे मटर भी हम इसमें थोड़े डाल लेते हैं, इससे ये और भी टेस्टी बनेंगे। इसे पका लेंगे। तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए हमने यहाँ लिया अदरक और लहसुन, जिसे हमने बारीक कट कर लिया। आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। 2 मिर्च लिए मैंने, जिसे से मैंने स्लाइस में कट किया है। 1 ऑनियन को मैंने बारीक कट किया, टमाटर बारीक कट किया, हरी धनिया की पत्ती बारीक कट की है, करी पत्ते लिए थे मैंने, जीरा, राई, ये बिरयानी मसाला है, और लाल मिर्च पाउडर, बिरयानी मसाला मैंने 2 चम्मच लिया है। हींग ले लिया है मैंने, और घी लिया है तड़के के लिए। घी लिया है हमने यहाँ पे। 2 सीटी आने तक मैंने खिचड़ी पका ली थी। देखिए खिचड़ी हमारी पक चुकी है, इसे देख लेते हैं। ये मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, इसलिए ये थोड़ी पतली रहेगी। देखिए परफेक्ट, ये बराबर बन के तैयार है। चलिए अब तड़के की तैयारी हम करते हैं। एक कढ़ाई गर्म करना है हमें, और उसमें हमें घी डालना है। घी हम ज़्यादा डालेंगे, खिचड़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए घी डालना तो बहुत ही ज़रूरी है। ये तेल में हम नहीं बना सकते हैं, आप चाहे तो तेल में ही बना सकते हैं, कोई बात नहीं, पर आप घी में बनाएंगे तो और टेस्टी बनेगी। ये इसमें डाल देंगे जीरा और राई। जीरा राई पक जाने पर हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता और 2 लाल मिर्च। ये अपने मन के ऊपर है, आप डालना चाहे तो डालें, वरना आप नहीं डालें तो भी कोई बात नहीं। हम डालेंगे 1 चम्मच हींग। हींग को हम पका लेंगे। डालेंगे करी पत्ते। करी पत्ते डालने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने बारीक कट किए हुए लहसुन और अदरक लिए थे। लहसुन अदरक को मैंने बारीक इसलिए कट किया है क्योंकि इसकी बाइट जब मुंह में आती है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे हम थोड़ा सुनहरा होने तक भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। मैंने 2 हरी मिर्च ली थी, जिसे मैंने बीच में से कट कर लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को भी हम अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे जब तक कि ये पिंक ना हो जाए। देखिए अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने लिए थे। टमाटर को सारी जो भी हमने वेजिटेबल्स जो भी लिया है हमने, उसको हम सब एकदम बारीक हम कट कर लेंगे। देखिए टमाटर हमारे थोड़े गल चुके हैं, आप इसे ढक कर भी पका सकते हैं, मैंने इसे खोल कर ही पकाया है। अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और बिरयानी मसाला। मैंने बिरयानी मसाला इसलिए लिया है क्योंकि होटलों में ये डाला जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, खिचड़ी का स्वाद ये बढ़ा देता है। चलिए देखिए हमारे टमाटर पक चुके हैं अच्छी तरह से। इसमें हम डालेंगे नमक, मिक्स कर लेंगे। आप जब भी खिचड़ी बनाएं तो उसमें बिरयानी मसाला ज़रूर ऐड करें, और सच में ये बहुत टेस्टी बनेगा। और आप मुझे बताइएगा कि कैसा बना है इसे ट्राई करके। चलिए हमारे मसाले पक चुके हैं, इसमें अब हम डालेंगे, इसे अच्छी तरह से पहले मैश कर लेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे खिचड़ी। आप तड़के को डायरेक्टली खिचड़ी में भी डाल सकते हैं, बट मैंने खिचड़ी को कढ़ाई में डाला है ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने सारी खिचड़ी इसमें डाल दी है। ये खिचड़ी मैंने 4 लोग के लिए बनाया है। मैंने आपको 4 लोगों का जो भी अंदाज था वो मैंने आपको बताया है, जो भी सामान डालने की मात्रा थी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पर ढक के पकने देंगे। देखिए हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है। आप इस तरह से खिचड़ी बनाकर घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनती है। इसे मैंने गार्निशिंग कर लिया, थोड़े तड़के के मैंने टमाटर निकाल लिए थे, हरी धनिया की पत्ती, और मैंने इस पर डाला है घी। हम इसमें घी ज़्यादा डालेंगे, खिचड़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए घी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।